गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशनल सर्किट, और कॉम्बिनेशनल सर्किट का हम लोग सीमॉस के थ्रू डिजाइन देखे थे, जिसमें हम लोग एक्सओआर गेट और भी मतलब मैक्स और हाफ एडर फुल एडर ये सब हम लोग डिस्कस किए। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में और हाउ टू डिजाइन सिक्वेंशियल सर्किट, उस पर हम लोग देखेंगे। तो सिक्वेंशियल सर्किट जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट होता है लैचेज और फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैच को देखेंगे, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप भी देखेंगे, और उसके बाद इसमें जो है ना सीमॉस के अलावा और भी मेथड है, जैसे कि सीडो एनमॉस और सीमॉस ट्रांजिशन गेट, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मतलब कि यही सब है जो कि पूरा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कोई एक भी बता सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप? ऐसे जनरल एक आस क्वेश्चन है, आप लोग तो डिजिटल पढ़े होंगे उसमें पता होगा ना आप लोग का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप? कोई भी बताइए। विशाल, लैच और फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंस क्या है? चलो ठीक है, लगता सब नाराज है, बोलना नहीं चाहना। आवाज आ रही है? यस सर। चलिए थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन ऐसा लैच देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा लैच का मतलब नॉर गेट से भी होता है, एंड गेट से भी, नैंड गेट से भी होता है। तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर गेट का एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसके बाद सीमॉस के थ्रू उसका सर्किट हम लोग लैच करेंगे, ठीक है। तो ये आपका नॉर गेट यूजिंग एसआर लैच का मतलब कि गेट के थ्रू डायग्राम है। और ट्रुथ टेबल क्या होता है? एस आर क्यू एन प्लस वन, मतलब कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगा जब ये जीरो जीरो, पॉसिबिलिटी क्या है? जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। बताइए जीरो जीरो में क्या आएगा? जीरो जीरो के केस में कोई भी बताइए। Q1 मतलब कि प्रीवियस स्टेट, जो पहले से था वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जीरो वन, जीरो वन के कंडीशन में यहाँ पर जीरो आएगा जो ऐसे रहेगा, और वन के कंडीशन में यहाँ पर वन आएगा, और वन वन के कंडीशन में यहाँ पर मतलब कि ये
टॉगल, मतलब कि ये नॉट डिफाइन है यहाँ पे। क्या होगा ये क्लियर नहीं बता बता सकते हैं। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो आता है उसको कहते हैं होल्ड स्टेट, मतलब कि जिसमें है, और ये सॉरी वन से वन आया, दैट इज द स्टेट स्टेट, मतलब ये जो है स्टेट, और दिस वन इज द प्री स्टेट कंडीशन, ये आपका है। अगर यही आप एंड गेट से बनाते, एंड नाइन गेट से बनाते, तो ऊपर में क्यू होता, नीचे में क्यू बार होता, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो अब जो है हमारा, ये हम लोग देख रहे हैं कि दो नॉर गेट है, मतलब कि दो नॉर गेट है, एक दो नॉर गेट हमको बनाना सीमॉस में, और यहाँ पे दोनों नॉर गेट, यहाँ पर एक क्यू आ रहा है और यहाँ पर इनपुट क्यू आ रहा है, ये हमेशा गौर कीजिएगा कि क्यू, और जो एस आर क्यू है, एस आर क्यू के साथ जो बनाएंगे उसका आउटपुट क्या आएगा, क्यू आर आएगा, और आर आर क्यू आर के साथ जो बनाएंगे उसका आउटपुट क्या आएगा, क्यू आएगा। तो ये चीज हम लोग फर्स्ट इसके थ्रू बनाते हैं नॉर गेट, एस एंड क्यू। तो वाई वन इजकल टू एस प्लस क्यू का बार, हम कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, ये कंप्लीमेंट लेंगे तो एस प्लस क्यू आपको आ जाएगा, एस प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर एस प्लस क्यू कैंसिल देखिए हम यहाँ पर दो, हम जो बना रहे हैं सर लास्ट, इसमें दो नॉर गेट है, ठीक है, एक नॉर गेट मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आउटपुट है ऐसे तो क्यू आर है, लेकिन हम सम कंसिडर किए हैं वाई आउटपुट, ठीक है, वाई वन। तो नॉर का क्या होता है एक्सप्रेशन, एस प्लस क्यू होता है ना, एस प्लस क्यू का बार होगा ना, है? तो फिर जो फर्स्ट स्टेप है क्या है हमारा, जो भी एक्सप्रेशन रहता है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लिए तो क्या हो जाएगा, एस प्लस क्यू हो जाएगा ना, यस ठीक है। तो अब इसको डिजाइन कीजिए, अब देखिए ये और में है, तो एस आर क्यू क्या होगा, एस आर क्यू आपका पैरेलल में आएगा, ठीक है, एस आर क्यू पैरेलल में आएगा। तो हम लोग अब इसी तरह y के लिए देखिए, y2 के लिए एक एक्सप्रेशन y2 है, ये एक तरह से ये, ठीक है, अब जो है हमारा एक तरह से y1 क्या है, ये y1 क्या है आपका, q बार है, मतलब छोड़िए उसको, अब उसको कंफ्यूज हो जाएगा तो ज्यादा। अब y2 देखिए, y2 का इनपुट क्या है हो जाएगा बाबू, r और q बार, r प्लस q बार का बार, अब कंप्लीमेंट लीजिएगा वाई टू बार कीजिएगा आर प्लस क्यू बार आएगा। तो पहले फर्स्ट का बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट का है, तो फर्स्ट का क्या है बाबू, एस आर प्लस क्यू और ऑपरेशन में है, तो जो पुल डाउन नेटवर्क बनाओगे आप, तो पुल डाउन नेटवर्क क्या आ जाएगा, सर पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल में हम लोग बनाते हैं, जो आर प्लस क्यू बार है तो बार आया तो क्यू का ऊपर बार तो हट जाएगा ना। ये कंप्लीमेंट पर कंप्लीमेंट है ना बाबू, ये जो है ये पूरा टोटल पर कंप्लीमेंट आएगा, ये आया, ये आया, पहले से ऑलरेडी वाई टू पर कंप्लीमेंट था, बार था, अब बार ले रहे हो तो पूरा का बार, तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, आर प्लस क्यू बार, अभी भी कंफ्यूजन है क्या। नहीं सर, मान लीजिए कि y इक्वल टू सी ए प्लस बी का बार है, अब इसको तोड़ोगे, ए बार इंटू बी बार आएगा, तोड़ोगे तब, ब्रेक करोगे तब, अगर नहीं तोड़ना है तो y कंप्लीमेंट लीजिएगा आप, तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट पर कंप्लीमेंट, दो कंप्लीमेंट कैंसिल आउट, ए प्लस बी जो कंडीशन में था वही रहेगा, ऊपर में भी तो वही किया हूँ, नीचे भी वही किया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम बना रहे हैं, तो फर्स्ट का पुल डाउन नेटवर्क, तो फर्स्ट पुल डाउन नेटवर्क, ये एस और ये हमारा ऐसा है, ये हमारा
क्यू आई, ठीक है, ये क्यू आई है। अब जो है सॉरी, अब पुल अप नेटवर्क देखते हैं। पुल अप नेटवर्क क्या होगा, दोनों पैरल, ये नीचे पैरल में है तो ऊपर सीरीज में आ जाएगा, तो ऊपर में अब सीरीज में लो। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आपका जो इस तरफ से ले रहे हैं इसको कनेक्शन, ऐसा क्यों कर रहे हैं अब बाद में बताऊंगा। ये हुआ, और इसके बाद इसका ये और ये भी डी डी आया। तो देखिए यहाँ भी ऊपर में एस देना है, तो एस यहाँ से कॉमन दे दिए, और यहाँ पर हमें क्यू देना है, तो कॉमन हमारा क्यू आ गया, क्यू हमारा कॉमन आ गया। अब जो है गौर कीजिए, ये जो क्यू यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा बताइए, यहाँ से जो आउटपुट आएगा वाई वन आएगा। वाई वन क्या है, जो ऊपर वाला जो लॉजिक नॉर गेट है उसका आउटपुट क्या आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, आ रहा है ना। एस और क्यू के साथ जो नॉर है उसका आउटपुट क्या आ रहा है, क्यू आर आ रहा है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया क्यू आर, या आप इसको वाई वन भी लिख सकते हो, वाई वन कोई डॉट अभी भी डॉट है तो बोलिए। क्लियर है कि नहीं, हेलो आगे बढ़े। यस सर, अब नेक्स्ट का हम लोग देखते हैं वाई टू पर आर प्लस क्यू बार, आर और प्लस क्यू बार का देखते हैं। तो देखिए अब देखिए हमारा जो है आर और क्यू बार है दोनों पैरेलल में है, तो हम इधर पैरेलल में एक बनाते हैं और एक पैरेलल में बनाया। तो देखिए हम इस साइड क्यू बार रखते हैं, ये साइड हम क्यू बार को आउट मतलब कि इनपुट रखते हैं क्यू बार, ठीक है, और ये आर है, ठीक है, और ऊपर में जो हमारा गया, तो सीरीज, उसके बाद तो यहाँ आर हम कनेक्ट कर दिए एक दूसरे को, एक ही जगह से आर मिल रहा है हमको। अब जो देखिए इसका जो आउटपुट आएगा, एक ये जो आउटपुट आएगा ये क्या आएगा, एक मिनट, ये क्यू बार, ये यहाँ से कनेक्टेड हो गया क्यू बार, लेकिन जो हमको क्यू बार मिल रहा था, क्यू बार कहाँ से मिल रहा है, क्यू बार यहीं से मिल रहा है हमको और अदर वाले से, तो यहाँ से उसका आउटपुट इसका इनपुट में कर दिए। और ये जो आउटपुट आएगा ये क्या आउटपुट आ रहा है, ये जो दो सेकेंड नॉर गेट का क्या आउटपुट आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो ये जो क्यू है आप इस क्यू को डायरेक्टली, ये क्यू आ रहा है, ये क्यू को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दिए, इसका ये क्यू वाले से, मतलब इसका आउटपुट इसके इनपुट में वर्क करेगा एक इनपुट, और इसका एक आउटपुट इसके इनपुट के रूप में वर्क करेगा, जो कि यहाँ नॉर गेट में भी है। एक जो आउटपुट है ऊपर वाले का एस वाले का आउटपुट, जो एस जहाँ इनपुट दे रहे हैं वो आर वाले का इनपुट में वर्क कर रहा है, और आर वाले का आउटपुट जो एस के इनपुट में वर्क कर रहा है। यहां तक किन्हीं को डॉट है समझने में, फिर से बोलिए, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, यहां भी अभी भी किन्हीं को डॉट है तो बोलिए, समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझना जरूरी है, अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। ठीक है एक बार रिपीट कर देते हैं। अच्छा हम इसी को रिपीट करें या नैंड गेट का बना के रिपीट करते हैं तो हो जाएगा। सर इसी का पहले क्यू वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक, गुड। देखो हम पहले रिलाइज किए ये ऊपर वाले नॉर गेट को रिलाइज किए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक आउटपुट मतलब कि नॉर गेट से जहां पर इनपुट है एस और क्यू उसका आउटपुट वाई आ रहा है, ठीक है, तो वाई वन आ रहा है, तो वाई वन का एक्सप्रेशन क्या हुआ, एस प्लस क्यू का कम्प्लीमेंट, और हम जो प्रोसेस है वाई वन बार के इक्वल टू एस प्लस क्यू आ गया। हम वही चीज उस पर हम रिलाइज किए,
ये और है, और ऑपरेशन है, तो और ऑपरेशन होगा तो एस और क्यू पैरेलल में आएगा, एस और क्यू पैरेलल में लिए और ऊपर वाले एस क्यू सीरीज में लिए, वो हम वो ऊपर वाले एस क्यू सीरीज में लिए, एस इनपुट रहा और क्यू इनपुट रहा। अब जो है इसका जो आउटपुट मिडिल से आएगा वो क्या आएगा, वाई वन आएगा, वाई वन आएगा। तो वाई वन क्या है हमारा, वाई वन क्या है, क्यू बार है। आप ऐसे एक्सप्रेशन को करके सॉल्व करके देखोगे तो क्यू बार ही आएगा। तो आप ये आपका क्यू बार आया, ठीक है, उसको हम छोड़ दिए। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये, जिसमें कि आर और क्यू बार है इस नॉर गेट में। तो वाई टू इक्वल टू हम समझाए आर प्लस क्यू बार का कम्प्लीमेंट, ये हमारा नॉर गेट का एक्सप्रेशन है। अब वाई टू बार का जो आया आर प्लस क्यू बार आया, हम आर प्लस क्यू बार हम बनाए हैं यहाँ पे, हम सेपरेट बनाए हैं, आर प्लस क्यू बार हम बना लिए पैरेलल में लिए और ऊपर में सीरीज में लिए, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है, जो वाई टू है जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, एक तरह से क्यू है। तो ये क्यू हुआ, तो ये जो क्यू है और यहाँ जो इनपुट क्यू है, दोनों तो सेम है ना, जैसे यहाँ पर भी एक्सप्रेशन में सुनिए, ये जो आउटपुट है आर वाले का आउटपुट क्यू और यहाँ पर एस वाले का इनपुट, दोनों तो सेम है ना, इसी को नाम हमें इनपुट में दिए हैं। तो उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करने के लिए लैच को इसको इसके इनपुट से क्यू वाले इनपुट से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर हम लोग आउटपुट क्यू बार आ रहा था इसके क्यू बार वाले से इनपुट से कनेक्ट कर दिए। अब बताओ अब कहाँ डाउट है, है ना। अब हम एक नैंड गेट वाला कैसा लैच बनाते हैं, तो उसको देखिए, नैंड गेट ऐसा लैच, हमेशा गौर कीजिएगा, नॉर गेट का बनाएंगे तो ऊपर में क्यू बार रहेगा और नीचे क्यू रहेगा, यहाँ पर नैंड गेट का बनाएंगे तो ऊपर में क्यू रहेगा नीचे क्यू बार रहेगा। तो इसका ट्रुथ टेबल सेम ट्रुथ टेबल रहेगा, एसआर क्यू एन प्लस वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक है। ये यहाँ पर जब जीरो जीरो कंडीशन रहेगा नॉट अलाउड, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्यू एन और क्यू वन कम्प्लीमेंट दोनों वन वन आने करेगा, क्योंकि एक भी जीरो जीरो आ गया तो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आपका जीरो वन, जो जीरो वन में यहाँ पर वन आएगा और वन जीरो के केस में ये जीरो आएगा और वन वन के केस में क्यूएन आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, आप जब जीरो जीरो दीजिएगा यहाँ पर जीरो जीरो दीजिएगा तो कुछ भी ये इनपुट रहे क्यू बार और क्यू बार जो भी रहेगा, मान लीजिए कि पहला स्टेट में जीरो है सेट रिसेट कंडीशन में जीरो, तो ये वन रहेगा तो ये ऑलरेडी दोनों वन वन आ जाएगा, तो दोनों वन वन आ जाएगा तो अलाउ नहीं रहेगा। एस जीरो है और आर वन है, एस जीरो है आर वन है, तो ये जीरो जीरो तो फिर ये वन आ जाएगा, तो ये वन आएगा तो ये कम्प्लीमेंट आपका जीरो आएगा। तो ये फिर इसी तरह वन जीरो है और ये वन है और ये फिर जीरो है, तो ये आर वाला जीरो है तो इसके लिए क्यू बार वन आएगा तो क्यू वन आएगा जीरो होगा, तो इस तरह करके आपका है, ठीक है। तो अब इसको देख सकते हैं नॉट अलाउ, और ये आपका ट्रुथ टेबल है। अब इस पर है हमको बनाना है, अगर ट्रुथ टेबल भी नहीं पता है तो, लेकिन हमको अगर ये पता है कि सर्किट इस तरह से बनता है नॉट गेट नैंड गेट का नैंड गेट से, तो आप इजीली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमको ट्रुथ टेबल तो वेरीफाई करना होगा सीमोस बनाने के बाद, लेकिन आप ये सर्किट पता है आपको ऑलरेडी नैंड गेट का, तो आपको सीमोस के थ्रू इजीली वे से बना सकते हो। तो कैसे बनेगा ये देखिए थोड़ा सा, उसी तरह फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा रहेगा y1
वाई वन मान लेते हैं, तो एस इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट का बार नैंड गेट है, तो हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एस इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। और उसके बाद वाई टू इजकल टू क्या हो जाएगा, वाई टू इजकल टू आर इंटू कॉम्प्लीमेंट का बार, वाई टू बार लेंगे तो आर इंटू क्यू आ जाएगा। तो ये चीज आपको अब यहाँ पर हमको फोकस करना है, ये दोनों पर हमको फोकस करना है। तो ये दोनों पर जब फोकस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एस, ये एस और क्यू बार क्या होगा, सीरीज में होगा। अब क्यू बार क्या है, अदर से आएगा इसलिए उसको अपोजिट साइड शो करेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है, एस ठीक है, ये यहां पर ये एस हुआ और ये आपका क्यू बार हुआ, ठीक है। अब जो है ऊपर में गया, अब पीडीएन बन गया, तो पी पुल अप नेटवर्क बनेगा। पुल अप नेटवर्क के लिए आपको ठीक है, और ये जो है इसको फिर एस को से कनेक्ट कीजिए, फिर क्यू आर को इसे कनेक्ट कीजिए, आपका ये कंप्लीट हो गया। इसका जो आउटपुट आएगा ये क्यू होगा, इसका जो आउटपुट आया ये यहाँ पर क्यू हुआ, आप क्यू भी बोल सकते हो या बोल सकते हो वाई वन, ठीक है। अब ये जो आया, अब नेक्स्ट टाइम को बनाना है वाई टू के लिए, तो वाई टू के लिए हमारा बनेगा तो पुल डाउन नेटवर्क, आर और ये क्यू, क्यू रहेगा यहाँ पे। अब जो हमारा ये आर इनपुट, ये क्यू, अब है पुल अप नेटवर्क इसका पैरेलल में, तो ये हमारा Q से कनेक्टेड होगा और ये हमारा R से कनेक्टेड होगा और ये हमारा भी DD। अब जो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज द Q बार, तो ये जो क्यू बार है इसको हम लोग यहां से यहां कनेक्ट कर देंगे एक इनपुट में, और ये जो क्यू है, क्यू हमारा इससे कनेक्टेड हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा इसका आउटपुट, ये आपका नैंड गेट यूजिंग नैंड गेट एक्सआर लैच डिजाइन हुआ। यहां तक अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए। अभी भी किसी को डाउट है कुछ तो बोलिए। आगे बढ़े, क्लियर हुआ कि नहीं, कि अभी भी कंफ्यूजन है? हेलो, आवाज आ रही है जी? यस सर। हेलो, तो यस सर। हाँ, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर, आगे। पूनम के अलावा और किसी को समझ में आया? यस सर, हो गया। अंकित को समझ में आया? पूनम, अंकित और क्लास में 25 लोग हैं, और ऐसा कितने बच्चे हैं जिनको एकदम नहीं समझ में आया कि कोशिश करने पर भी नहीं बनेगा? देखिए अभी आपके पास 20 मिनट टाइम है, ठीक है, तो 20 मिनट टाइम है तब बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा फिर से, आप समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। हम एक अभी मतलब कि क्वेश्चन देते हैं और
जिनको जिनको समझ में आएगा वो सॉल्व कीजिए, जिनको नहीं समझ में आया है वो बोलिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो हो रहा है, बड़ा बन रहा है, नहीं तो फिर आपको फिर ये लैच है, जब फ्लिप फ्लॉप आएगा उसमें चार नैंड गेट रहेगा तो वहां पर आपको और ज्यादा दिक्कत होगा, वहां पे क्लॉक इनपुट भी रहेगा तो वहां पर आपको और ज्यादा दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा वीवी डाउट है तो बोलिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा जिनको जिनको डाउट है, जो साइलेंट है उनको क्या समझो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या क्लास में ही नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आर्ची, अरुण, डॉली, रोल नंबर 12 ज्योति, रोल नंबर 13 ज्योति, सब एब्सेंट है, कोई क्लास में नहीं है। तौकीर, विशाल, विशाल, विवेक, काजल, साक्षी, कोई क्लास में नहीं है, सिर्फ अंकित और पूनम ही क्लास में है, सब लगा लगा के ऑफ हो गया है। पूनम और अंकित के अलावे कोई आवाज सुन रहा है? कोई नहीं। हेलो, चलिए ठीक है, पढ़ना है तो अपने लिए पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो अपने लिए नहीं पढ़ना, हमारा क्या है, आज यहाँ है कल यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन पढ़ना तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर आगे भी प्रॉब्लम होगा। देखिए अभी इसी तरह हम अब आपको खाली गेट बना के देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पूनम, अंकित, कर लोगे? मतलब नहीं सुनो, मतलब कि गेट का, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप का गेट से हम सर्किट बना देंगे, गेट से सर्किट बना देंगे, मतलब कि सिंबल जो नॉट गेट नैंड गेट का जो सिंबल है उससे हम बना देंगे, तो सीमोस से आप लोग बना लोगे? हाँ सर, फिर देखेंगे एक्सप्रेशन लिख, अगर एक्सप्रेशन लिख लेंगे तब तो फिर बन जाएगा सर। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना बाबू, मतलब कि तुम सर्किट पता है कि कौन सा इनपुट कहाँ है और वो, तो इजी वे से हो जाएगा। आप लोग एक बार ना ट्राई करना, जब एसआर लैच क्लॉक के साथ रहता है तब आप उसको ट्राई करना, जैसे कि मैं एक सर्किट बना देता हूँ एसआर लैच विद क्लॉक, तो आप लोग आज इसको दिन भर में ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो फिर जब और सब क्लास में है ही नहीं तो आप लोग पर्सनली आप लोग करना, उसके बाद हम आप लोग को फिर समझा देंगे जहां अगर दिक्कत आता। ये जैसे कि क्लॉक हुआ, ये एस हुआ, ये आर हुआ, ठीक है, ये हुआ। तो देखिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दो इनपुट है एस और क्यू क्लॉक, तो ये एंड गेट बनाना होगा, इसका आउटपुट वाई वन, इसका आउटपुट वाई टू, अब ये वही वाई वन और वाई टू है, और इसका क्यू बार और क्यू दोनों आप जैसे कर रहे थे वो, तो ये दोनों एक्सप्रेशन होगा ही होगा, और उसके पहले वहां पर जो एस था, एस और आर जो था, एस और आर के जगह पर यहाँ पर ये एस हो गया, ये आर हुआ, ये जो एस और आर आएगा वो मतलब कि इस तरह, वहां जो एस आर था वहां पर एस आर की जगह पर जो आपको कनेक्ट करना है वो इसका आउटपुट एंड गेट का आउटपुट, मतलब कि जो ये जो एस और आर था ना, ये एस और ये आर, उसमें आपको वो चीज कनेक्ट करना होगा क्लॉक वाला, तो क्लॉक का आउटपुट, तो आपको आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी इसको क्लियर होता जाएगा, और हम तो बोलेंगे ना कि आप इसको तो पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लोग बिना देखे हुए जो जो सब क्लास में देखे बिना देखे हुए फिर से एक बार ट्राई करो, अपने से बनाने की कोशिश करो, फिर सर्किट देखो अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है, और तब देखो कि कहाँ तक हम समझ पाए हैं, अगर फिर दिक्कत होता है तो
पूछ लिया करो तो, लेकिन आप एक बार ट्राई करो नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा बाबू, ज्यादा एक बार पढ़ा देने से कोई फायदा नहीं है अगर क्लियर नहीं होगा तो। आप लोग एक बार ट्राई करो, ये दोनों पहले बना लेना, उसके बाद फिर क्लॉक वाला आप लोग बनाने के लिए कोशिश करना, तो बिना देखे हुए आप वो दोनों पहले बना लेना, उसके बाद इसको बनाना। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर नहीं तो क्लास लेफ्ट कर सकते हो आप लोग। सर हाँ बोलिए। फुल हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर नहीं बना था सर, एक बता दीजिएगा ना। फुल सब्ट्रैक्टर का जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तुमको पता है, फुल सब्ट्रैक्टर जो फुल सब्ट्रैक्टर हाफ सब्ट्रैक्टर में, सॉरी हाफ एडर और फुल एडर का जो सब्ट्रैक्टर वाला एक्शन है और यहाँ पर सम वाला है, दोनों तो सेम होगा। हाँ सर वो तो सेम सेम होगा। फिर कैरी का खाली डिफरेंस है, वहां पर ए इंटू बी है, यहाँ पर ए बार बी होगा, है ना, या ए बी बार होगा, है ना। तो फिर तुमको क्या दिक्कत हो रहा है ये दोनों में सर? मतलब उसका हमको लास्ट वाला का एक्सप्रेशन ही नहीं याद आ रहा था, अभी आप बोले तो लास्ट का याद आ गया, तो ट्राई करते। तो मतलब कि जो डिजिटल का जो पार्ट है ना उसको याद रखना पड़ेगा देखो, और नहीं तो फिर आपको समझ के रखना होगा, वो पूछोगे तब बता देंगे। तो इस तरह से आपको ये करना होगा, आप कोशिश कीजिए जहां भी डाउट होगा पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो या यहीं तक रह देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, जो मतलब कि जो सुन रहे थे क्लास बढ़िया समझे उसको ट्राई कीजिए, और हो सके तो पोस्ट कर दीजिए ना अदर क्लास में, आप उसके अगर पोस्ट करेंगे तो हम रिप्लाई भी कर देंगे कि क्या गलती है क्या नहीं गलती है। आप लोग ट्राई कीजिए।